नया बैग बनाना शुरू करते हैं। देखिए आज मैंने इस तरीके से शॉपिंग बैग बनाया है। ये थोड़े बड़े साइज का मैंने बनाया है और बनाने में बहुत आसान है। फ्रंट साइड, बैक साइड, बॉटम, यहाँ पे हमने इसके जिपर बनाई है। ऊपर से जिपर है इस तरीके से। तो चलिए हम इस बैग को बनाना सीखते हैं। से दो क्विल्टेड पीस लिए हैं, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट, ऊपर मेन फैब्रिक और उस पर सिलाइयां लगाई हुई हैं। टू पीसेस हैं। इसके मेजरमेंट बता देती हूं मैं आपको क्या है। यह है 17 इंच और इसकी चौड़ाई है 19 इंच। तो सबसे पहले हमें करेंगे तो एक पीस में मैं आपको बताती हूँ कैसे देनी है, वैसे ही हम दूसरे पे भी देंगे। तो ये इस तरीके से लिया, इसे फोल्ड करना है। ये मैंने फोल्ड किया यहाँ से। अब यहाँ से हम इसे शेप देंगे। तो चलिए हम ड्राफ्टिंग करते हैं। यहाँ से हमें लेना है 2.5 इंच पे पहला निशान लगाया, 2.5 इंच पे नीचे की तरफ निशान लगाया इस तरीके से और इसे गोलाई में मिला दिया। ये देखिए, ये मैंने गोलाई में मिला दिया। यहाँ से 2.5, यहाँ से 2.5 और उसे गोलाई में मिला दिया। अब यहाँ से आगे आपको लेना है 2 इंच पे आपको निशान लगाना है और यहाँ से आपको निशान लगाना है 3.5 इंच। 3.5 इंच पे निशान लगाया, इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए इस तरीके से। ये देखिए, यहां से यहां मिला दिया। अब इस निशान से हमें यहां पे नीचे की तरफ शेप देनी है। तो यहां से हमें अंदर की तरफ जाना है 2 इंच, अंदर की तरफ जाना है इस तरीके से और इस निशान को इस निशान से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया और यहाँ हल्की सी नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग पूरी हो गई। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। अब हम सेम शेप इसके ऊपर भी देंगे। तो ये दूसरे वाला क्विल्टेड पीस लेना है, इसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से और इसे ड्रॉ करके इसकी भी मार्किंग करके नीचे वाले पीस को भी इसी शेप में कट कर लिया। हो गया एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, दोनों पे हमने सेम शेप दे दी है। अब हम पहले स्ट्रैप बनाते हैं। तो स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने 5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 28 इंच। अब फोल्ड करके पहले इसे रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड, 2 फोल्ड और एक और फोल्ड, सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों स्ट्रैप रेडी कर ली। स्ट्रैप मैंने रेडी कर ली। अब हम स्ट्रैप ज्वाइन कर लेते हैं। ये लिया, स्ट्रैप को रखना है इस तरीके से, यहाँ से गोल घुमाते हुए। एक स्ट्रैप इस पीस के साथ लगा लीजिए और एक स्ट्रैप इस पीस के साथ। ये स्ट्रैप मैंने लगा ली, एक स्ट्रैप इसके साथ, एक स्ट्रैप इसके साथ। तो एक फ्रंट के लिए हो गया पीस, एक हमारा बैक के लिए हो गया। अब हम जिपर पोर्शन के लिए बनाते हैं। पोर्शन बनाने के लिए देखिए इस तरीके से मैंने दो पीसेस लिए हैं कपड़े के। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली है 12 इंच और इसके विड्थ मैंने ली है 19 इंच और एक जिप ली है मैंने 19 इंच की, मैंने ये जिप ली है। अब हमें करना क्या है, इस जिप को हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये टू पीसेस है, 1 और 2, इसे पहले बीच में से सेंटर में से अलग कर लीजिए। तो यहाँ सेंटर में से मैं इसे अलग कर देती हूँ। ये मैंने इसे सेंटर में से अलग कर लिया इस तरीके से। अभी हमें जिप लेनी है और इन दोनों पीसेस के, चारों पीसेस के बीच में यहां पे हमें इस तरीके से जिप को इंसर्ट करना है। तो चलिए हम इंसर्ट करते हैं। तो पहले इन दो पीसेस के साथ कर लेते हैं। ये रखा, इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर लाइनिंग वाला कपड़ा रखना है ऐसे। यहां से लेके यहां तक इस पे सिलाई लगा, यहां से लेके यहां तक मैंने इस पे सिलाई लगा ली।
तो ये जिप मेरी इस तरीके से इन दोनों पीसेस के बीच में इंसर्ट हो गई। अब जैसे ये इंसर्ट किए, अब यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे पहले टॉप स्टिच लगा लीजिए। मैंने इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। अब हम इस तरफ जिप को अटैच करते हैं। दो लाइनिंग वाले पीस ये मैंने उठाया, इसे रखा, जिप को इस तरीके से, एक पीस कपड़े का नीचे, ऊपर लाइनिंग वाला कपड़ा, ऊपर दूसरा पीस इस तरीके से, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसे भी सीधा कर लीजिए इस तरीके से। देखिए जिप हमारी अटैच हो गई। यहाँ पे भी ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा, इस पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो इस तरीके से मेरा रेडी हो गया पीस जो हमने लिया था। बस बीच में से कट करके मैंने जिप इंसर्ट कर दी और कुछ नहीं किया, वही टू पीसेस है। अब हमें क्या करना है, ये रखा, ये जो हमने बनाया था ये एक पीस लेना है, फ्रंट या बैक का कोई भी, इसे इसके ऊपर यहाँ पे रखना है। इसे यहाँ एज से मिलाते हुए इस तरीके से ऐसे रखा, इस तरीके से रखा। अब आपको सिलाई लगानी है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लगाते हुए, यहाँ से गोलाई में लगाते हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसे इसी शेप में कट कर लीजिए, कट कर लिया। अब इस पे नोचेस लगा लीजिए ताकि जब बाद में हम इसे टर्न करें तो ये इजिली टर्न हो जाए। इस तरीके से इसी शेप में कट कर लिया, नोचिस लगा दिए। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से पलट दीजिए, दूसरी तरफ अंदर की तरफ कर दीजिए, और ये जो दूसरे वाला स्ट्रेट पीस है इस पे हम दूसरा पीस लगाएंगे। तो ये जो दूसरे वाला है ये ले लेना है, इसे इस तरफ रखना है, दूसरी तरफ ऐसे, और सेम उसी तरीके से हमें इस पे भी सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके पूरा गोलाई में यहाँ तक, इसके पूरे यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब इसका भी जो एक्स्ट्रा है यहाँ से कट कर लीजिए, लगा लीजिए। ये मैंने नोचेस लगा लिए, अब इसे सीधा कर लीजिए। बेसिकली जो स्क्वायर पीस था उसके एक तरफ हमने फ्रंट जोड़ दी और एक तरफ हमने बैक जोड़ दी। अब इसे इस तरीके से बाहर को निकाल लीजिए, यहां से भी इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए इस तरीके से दिखेगा। यहां पे हमारी स्ट्रैप आ गई है और यहां पे हमारे इस तरीके से जिपर लग गया है, जिप के साथ लग गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके साइड के लिए बनाते हैं। साइड के लिए बनाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक पट्टी हम इसके पूरे साइड पे लगाएंगे। तो उसके मेजरमेंट कैसे लेने हैं, एक तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई लेनी है कि कितनी लंबी लेनी है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ इस तरीके से 1 इंच रखते हुए एक्स्ट्रा ही रखिएगा, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा होगा हम कट भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसे राउंड में गोल घुमाते हुए एक रफ सा मेजरमेंट ले लेंगे हम इस तरीके से। तो अप्रॉक्सीमेट 45 इंच ये मैंने रफ मेजरमेंट ले लिया। तो 45 इंच हमें लंबाई चाहिए और उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है हमें, यहाँ पे आपका जितना भी चौड़ा आ रहा है ये इसे नाप लीजिए। तो ये मेरा 5 इंच आ रहा है, तो मैं 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, 5.5 इंच मैं पट्टी लूंगी। तो विड्थ लेनी है 5.5 और लंबाई लेनी है 45। ये देखिए इस तरीके से क्विल्ट करके मैंने पट्टी को रेडी किया हुआ है, ऊपर कपड़ा, नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और उस पर सिलाई लगाई हुई है। सेम मेजरमेंट लिए हैं मैंने ये 5.5 और इसकी लंबाई मैंने ली है 45। जो भी एक्स्ट्रा होगा हम अभी कट कर लेंगे। तो अभी इसे जोड़ना कैसे है, ये देखिए ये लेना है, इसे इस तरीके से ओपन कर लेती हूँ मैं। तो किसी भी एक तरफ से यहाँ से लेके यहाँ तक हम इस पट्टी को ज्वाइन करेंगे। तो इसे पट्टी को ऐसे रखना है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोड़ते हुए सिलाई के लिए 1/2 इंच अप्रॉक्सीमेट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग में भी आएगा। 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से इसे गोल घुमाना है, यहाँ तक। तो यहाँ से सिलाई लगाते हुए, पूरा यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है। ये जो एक्स्ट्रा आएगा हम पहले से कट कर लेंगे बाद में, तो हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई, यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से लेके पूरा मैंने यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। यहाँ से अब जितना भी एक्स्ट्रा है बस यहाँ से यहाँ जहाँ तक सिलाई लगी हुई देखिए इस कॉर्नर तक, यहाँ से 1/2 इंच आपको मार्जिन लेना है और हम एक्स्ट्रा इसे कट कर लेते हैं।
तो यहाँ से हाफ इंच स्टिचिंग का ले लिया मैंने और ये जितना भी एक्स्ट्रा है इसे कट कर लीजिए। ये मैंने एक्स्ट्रा कट कर लिया, तो इस टाइम पे आप एक्स्ट्रा जितना भी है उसे कट कर लीजिए। तो ये मेरा प्रॉपरली एक साइड अटैच हो गई, अब हम दूसरी साइड अटैच करते हैं। तो इस वाली साइड को इस तरीके से करना है, अंदर की तरफ इसे पकड़ना है, ये देखिए इस तरीके से ऐसे रखेंगे हम इसे, इस तरफ को हमें इसे अटैच करना है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड पे इस पे, ये देखिए इस तरीके से रखते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा यहाँ से यहाँ तक इस पे पूरा सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। तो दोनों पट्टियाँ हो गई हमारी, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारा ओपन है इसे ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, इसे ऐसे पकड़िए, हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था इसीलिए रखा था इस तरीके से। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए वन, सेम उसी तरीके से इस तरफ से भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए टू, ये भी सिलाई लगा ली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो रफ एजेस है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे पाइपिंग से इसे भी फिनिश कर लीजिए और इस तरफ को भी पाइपिंग की पट्टी से फिनिश कर लीजिए। रफ एजेस थे उसे इस तरीके से मैंने पट्टी से फिनिश कर लिया, तो देखिए प्रॉपरली फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जिप वाले पोर्शन की तरफ से हम इसे सीधा कर लेंगे, तो यहाँ से इसे पूरा सीधा कर लीजिए, मैंने इसे सीधा कर लिया इस तरीके से। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया, देखिए काफ़ी अच्छे बड़े साइज में हमने इसे बनाया है, तो मार्केट वगैरह आप शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही यूजफुल होगा इस तरीके से। देखिए अंदर से प्रॉपरली फिनिश्ड, काफ़ी सारा सामान आने वाला है आपका इसमें, यहाँ पे विद जिपर, जिपर के साथ स्ट्रैप्स, साइड्स, बॉटम, ये देखिए, तो इस तरीके से रेडी हो गया।